आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सेहतमंद टेस्टी हेल्दी बर्मिसेली उपमा नाश्ता की रेसिपी। ये नाश्ता की बेहद ही आसान सी रेसिपी है और इसे बनाने के लिए कोई झंझट नहीं। ये घर पर उपलब्ध साधारण से इंग्रेडिएंट से आसानी के साथ बनाई जा सकती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिया है 4 कप पानी, इसको गर्म होने के लिए रखना है। इसको अभी हम गर्म होने देते हैं जब तक हम बर्मिसेली को रोस्ट कर लेते हैं। एक पैन में ले रही हूँ 1 चम्मच घी। यहाँ पर ले रही हूँ 2 कप बर्मिसेली। जैसे हमने 4 कप पानी गर्म होने के लिए रखा है तो 2 कप बर्मिसेली ली है। इनको मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है थोड़ा 2-3 मिनट। बर्मिसेली को हल्का सा कलर चेंज होने तक रोस्ट करना है। घी में रोस्ट करने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी रोस्ट कर सकते हो। इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। पानी में भी उबाल आ गया है, अब इसमें डाल देते हैं बर्मिसेली। अब इसको अच्छे से मिला देते हैं और इसको 2-3 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना। और इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक और इसको भी अच्छे से मिला देते हैं। इनको हमने 3 मिनट उबाल लिया है, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इनको निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने छन्नी ली है और इसको इस तरह से निकाल लेना है। यहाँ पर पैन में मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल। अब यहाँ पर डाल रही हूँ 1/4 कप मूंगफली दाने, इनको हमें रोस्ट कर लेना है। दाने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इनको अब निकाल लेते हैं। एक छोटी चम्मच सरसों, छोटी चम्मच जीरा, इनको थोड़ा चटकने देते हैं। जीरा और सरसों अच्छे से चटक गए हैं, अब इसमें मैं डाल रही हूँ 8 से 10 काजू। ये डालना पूरी तरह ऑप्शनल है। इनको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, इनको भी अच्छे से भून लेना है। प्याज का थोड़ा कच्चापन निकलने तक इसको रोस्ट करना है। अब यहाँ पर डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज की गाजर बारीक कटी हुई, इसको भी थोड़ा सा चला देते हैं। और 8 से 10 कड़ी पत्ता। और साथ ही डाल रही हूँ 1/4 कप फ्रोजन मटर। और इसमें डाल रही हूँ 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। अब इनको अच्छे से मिक्स करके चला देते हैं। अब यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। ध्यान रखना नमक थोड़ा कम ही डालना है, क्योंकि हमने बर्मिसेली को बॉईल किया था जब भी हमने उसमें नमक डाला था। सारी वेजिटेबल्स अच्छे से पक गई हैं, अब हम इसमें डाल देते हैं बॉईल की हुई बर्मिसेली। ये देखिए इनका सारा पानी निकल गया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसके साथ डाल देते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ रोस्ट किए हुए मूंगफली दाने, ड्राई कोकोनट ग्रेट किया हुआ और थोड़ा सा हरा धनिया। अब इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ड्राई कोकोनट से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप चाहे तो इसकी जगह फ्रेश कोकोनट का भी यूज कर सकते हो। बर्मिसेली उपमा बनकर तैयार है, अब हम इसको कर लेते हैं सर्व। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ।